अभी हम लोग सिम इंस्टॉल करेंगे, यानी कि चार सिम होता है बाइक में। एक नंबर सिम लेफ्ट साइड पर, दो नंबर सिम राइट साइड पर, तीन नंबर सिम लेफ्ट साइड पर, चार नंबर सिम राइट साइड पर। तो इसका इस तरह से पुरिया बना के आप लोग सिम के इसके अंदर भर के रख दीजिए, और जब भी खोले इसी तरह से खोले, और जब भी फिट करे इसी तरह से। KTM बाइक का जो इंजन होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है रोल हम लोग का, टाइमिंग और सिम इंस्टॉल करना। 0.8 mm है ये, जैसे कि हम लोग का आटा भाप जा रहा है या ढीला भाप जा रहा है, तो अगर ढीला कर दे तो बाइक में हम लोग का आवाज़ ज़्यादा आएगा, और जैसे कि पूरा टाइट कर दे तो कंप्रेसर डाउन हो जाएगा। यानी हम लोग को आटा भाप थोड़ा रखना है, और इसको भी चेक करते हैं तो ये भी हम लोग का आटा भाप है, ये भी हम लोग का आटा भाप जा रहा है, ठीक है, ये भी जा रहा है। तो ये लेफ्ट राइट टी ऊपर, पतला मोटा होता है और एक मी होता है। इसका एग्जस्ट और इंटेक किस तरह से काम करता है देखिए। वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि मैं आया हूँ एक हमारे क्षेत्र में, नायडू भाई है हमारे, कास्ट फ्रेंड है और बहुत ही हम लोग क्लोज है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर, यानी कि सभी लगभग जितना भी बाइक का मॉडल होता है, सभी बाइक का इंजन वीडियो हो, कोई भी समस्या होता है सभी मैंने दिखाया है। बट जो KTM बाइक है, KTM बाइक का इंजन का जो सिस्टम होता है उसका वीडियो आप लोगों को शेयर नहीं किया हूँ। तो आज हम आया हूँ नायडू भाई के पास, और उसी की शॉप पे एक जैसे कि वीडियो चल रहा है, वो भी एक यूट्यूब चैनल है उसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे चैनल के लिए उस वीडियो को मैं शूट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ जो KTM बाइक का जो इंजन होता है कैसे जैसे कि फिटिंग हम लोग करें। तो सवाल है, आज का जो वीडियो है हम नायडू भाई के पास आया हूँ, और नायडू भाई एक यूट्यूबर है, यानी कि थोड़ा नया है लेकिन वो अच्छा अच्छा कंटेंट डालता है, जैसे कि KTM बाइक का ज़्यादा उसके पास यहाँ, जैसे कि KTM बाइक ज़्यादा आता है, रॉयल एनफील्ड आते हैं, R15 बाइक आता है, जितना भी हाई पिकअप का बाइक है सभी लगभग आते हैं। तो यानी कि आज मैं आपको दो चीज़ दिखाऊंगा, एक आप लोगों को नया गुरु दिखाऊंगा जो बाइक का मास्टर है KTM बाइक का ज़्यादा, और उसके चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा KTM का वीडियो अपलोड करते हैं, और आज मेरे चैनल पर KTM का एक इंजन का वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा गाड़ी है, फिर हम नायडू भाई के पास जाएंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे और बात भी करेंगे। तो गाइस यह है KTM बाइक, 200cc है। इसका इंजन हम लोग का डाउन हो गया था और इंजन यहाँ ओपन किया हुआ है, यह है इंजन। और इसका जो हेड है, हेड का काम यहाँ करना पड़ेगा, और बट हेड जो होता है गाइस, हेड में हम लोग को दिया जाता है जैसे कि सिम सिस्टम, वो भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हम लोग सिम को एडजस्ट करें, और हेड किस तरह से हम लोग एडजस्ट करें, इंजन किस तरह से जैसे कि प्रॉब्लम हुआ था क्या क्या हमने किया वो भी आप लोगों को बताता हूँ। चलो नायडू भाई के पास जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। हेलो गाइस, यह है नायडू भाई, और इसी के शॉप में भी आया हूँ। मेरा शॉप तो खुल चुकी है, बच्चा लोग है, और उसी के शॉप पर आया हूँ। तो नायडू भाई आप क्या क्या बाइक का काम करते हैं थोड़ा हमारे व्यूअर के लिए बताइए। हमारा शॉप में होता है काम गाड़ी का, टू व्हीलर का, KTM, RC, ड्यूक 200cc, 125cc, 250cc जो है, NS 200, 125, जितना ही बाइक, निंजा, कावासाकी निंजा, हाइसोन, यामा R15, V3, V4, जितना बड़ा बड़ा गाड़ी है ना, पूरा हमारा बॉक्स में काम होता है। तो गाइस नायडू भाई का कहना है वो एक बंगाली है, और उसकी चैनल में आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा जो उसका जो बोलने का तरीका है नया नया है, यूट्यूब चैनल खोला है, ओपन किया है, बट उसका बोलने का तरीका जो है अभी जैसे बहुत थोड़ा जैसे मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। जैसे पहले मैं भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, हिंदी बोलने में मुझे दिक्कत होता था, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा सीख गया, और नायडू भाई भी सीख जाएगा। तो चलो मुद्दे की बात है, हम लोगों का भाषा से कोई लेन देन नहीं है, आप लोग सब समझ पाएंगे। आप लोगों का मकसद है काम से हाँ, जो बाइक का हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग को देखना है। तो गाइस चलिए, नायडू भाई का कहना है, उसका चैनल का लिंक हम दे देंगे। और आपका चैनल का नाम नहीं बताया? हमारा चैनल नाम है प्रिया ऑटो सर्विस, प्रिया ऑटो सर्विस उसका चैनल का नाम है, और डिस्क्रिप्शन में हम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग भैया को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट अगर करेंगे तो काम करने में मोटिवेशन होगा और बेहतर लगेगा। तो आप लोग जितना भी भाई हो, मुझे चाहते हो, सब भाई जाइए उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सो गाइस, ये जो बाइक सबसे पहले नायडू भाई के पास आया था, तो इसका इंजन जो डाउन किया था, करने के बाद उन्होंने देखा इसका कनेक्टिंग रॉड जो था पूरा ख़राब हो गया था और ढीला हो गया था। तो पहले क्या किया था, पूरा कनेक्टिंग रॉड न्यू फिटिंग कर दिया है। इसका कीमत कितना था? 1980 रुपये दाम है इनम, यानी कि जैसे कि 4000 से कुछ कम है, और पूरा सेट आया था ना, बैरिंग भी, तो आपने पूरा सेट लगा दिया था।
और पूरा पैकिंग देके फिट कर दिया ना। तो गाइस यहाँ से इंजन जो हम लोगों का होता है क्रैंक पूरा सेट फिटिंग कर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाई फंस जाता है, पूरा सेट तो फिटिंग कर लेते हैं। जो हम लोगों का होता है हेड, हेड के अंदर हम लोगों का दिया जाता है, ये देखिए हम लोगों का कैम सेफ्ट है, रॉकर, एग्जस्ट और इंटेक है। तो इसमें हम लोग का मेन पॉइंट होता है, सबसे पहले डालना पड़ता है वाल्व सील। वाल्व सील दो प्रकार ही आएगा गाइस, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। चलो फिटिंग करो, सबसे पहले हेड फिटिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ जो हम लोग का होता है एग्जस्ट पर यहाँ मोटा देना पड़ता है वाल्व सील, ये वाला ठीक है, और यहाँ पतला वाला। चलो वाल्व सील फिट कर लेता हूँ। पहले फिटिंग करेंगे हम लोग वाल्व। वाल्व पे हम लोगों को थोड़ा लुब्रिकेंट करना पड़ता है, क्योंकि वाल्व सील अगर बगैर लुब्रिकेंट का करें तो वाल्व सील कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लुब्रिकेंट हो चुकी है, पहले स्प्रिंग डाला। तो गाइस जो लॉक होता है, लॉक भी हम लोग का मोटा पतला होता है, यानी कि एक पतला मोटा होता है और एक मी होता है। तो जो मी वाल्व होता है थ्रोटल बॉडी साइज, उस पर हम लोग का पतला होता है, और जो हम लोग का साइलेंसर साइड होता है यानी कि मोटा होता है। तो चलो एक तरफ से फिटिंग करते हैं। तो गाइस लॉग आदर्श बाइक में जो सिस्टम से आप लोग पुलर से लगाते हैं उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा चार वाल्व है गाइस, यहाँ हेड का काम चल रहा है, और ये जो है नायडू भाई फिटिंग करेगा पिस्टन। तो इसका कीमत कितना मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, इसका कीमत है 2809 रुपये इसका प्राइस है, और ये बिल्कुल KTM का है, ठीक है। तो चलिए अनबॉक्सिंग भी करेंगे क्या क्या आते हैं, और फिटिंग करेंगे तो किस तरह से रिंग का ग्रुप रखता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और ब्लॉक किट के साथ क्या क्या आता है, जैसे कि चूहे को अगर कट जाता है पैकिंग टैकिंग तो ये देता है कंपनी, हर कोई बाइक में दिया जाता है। और इसका साथ आया है ब्लॉक किट, खाली ब्लॉक किट और कुछ नहीं, पैकिंग टैकिंग कुछ नहीं आता है। थोड़ा ग्रुप आप बता दीजिए कंपनी ने कैसे रखा है। खास ग्रुप यहाँ पर रहेगा। अच्छा ग्रुप इस तरह रहेगा। अच्छा यानी कि यहाँ और यहाँ वायरिंग है ना। एक यहाँ पर रहेगा। अच्छा एक यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर रहेगा यानी कि चारों ग्रुप चारों साइड पर। तो गाइस मेरे वीडियो में आप लोगों को दिखाया था जो हम लोग किस तरह से रखे, तो KTM बाइक का भी ग्रुप उसी हिसाब से रखता है। तो चलो फिट करेंगे हम लोग। यहाँ तीर जो दिया गया है ये रहेगा हम लोग का जैसे एग्जस्ट साइड पर, साइलेंसर साइड पर एग्जस्ट है। अब हम यहाँ पर पिन लगाऊंगा। यहाँ पर सर्किलिप बस, यानी कि पिस्टन फिट हो चुकी है। चलो भरो ऐसे ऐसे करो भरो। बस तो गाइस ब्लॉक किट हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है, और इसका टॉप जो है इसी पोजीशन में रहेगा। अगर कनेक्टिंग रॉड गलत लगा दे तो नीचे चल जाता है, इससे हम लोग का कॉम्प्रेसर बेहतर नहीं आएगा। तो ये जो पिस्टन का माप है सेम यही रहना चाहिए, ऊंचा भी नहीं और नीचा भी नहीं। तो चलो आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सो गाइस नंबर JG511248 और 517 रुपये टाइमिंग चेन का कीमत है। चेन हमने ऊपर देखे भरा, और आहिस्ते आहिस्ते करके यहाँ हम लोग का जो टाइमिंग का पिनियम है इसमें लगा दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग भरते हैं टाइमिंग पैड। यहाँ पर दो लेफ्ट में लगेगा, ये राइट में लगेगा, हो गया। ये हेड पैकिंग है जेनुइन 300 341। कितना मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, कीमत भी ना 300-350 रुपये कीमत है इसी का। यहाँ पर कूलिंग का लाइन है, ये चार साइड में पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड में कूलिंग रहेगा। लोकल पैकिंग देने से कूलिंग पूरा लीकेज करता था करेगा, तो जेनुइन ओरिजिनल पैकिंग देना पड़ेगा आपको। हेलो गाइस अभी हम लोग सिम इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले हम बता देते हैं जब भी आप लोग खोले, यानी कि चार सिम होता है बाइक में, तो आप लोगों को जैसे कि एग्जस्ट पर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो आप लोग निकलेगा। तो गाइस देखिए मैंने कैसे जैसे कि रखा, एक नंबर सिम लेफ्ट साइड पर, दो नंबर सिम राइट साइड पर, तीन नंबर सिम लेफ्ट साइड पर,
चार नंबर सिम राइट साइड पर। तो इसका इस तरह से पुरिया बना के आप लोग सिम के इसके अंदर भर के रख दीजिए और जब भी खोले इसी तरह से खोले और जब भी फिट करे इसी तरह से खोलना, जैसे कि कागज का पुरिया में आप लोगों को लिख देना है। बट सबसे पहले आप उसी सिम को फिटिंग करें। अगर जैसे कि आप लोगों को माप नहीं हो रहा है, फिलर गैस से नहीं मिल रहा है, तो फिर अपने हिसाब से करना पड़ेगा, लोगों को बताएगा। तो चार पुरिया बनाया था, जैसे कि उसने ओपन जब किया था तो मार्किंग करके रखा है तो कौन सा सिम कहां पर था, उसी हिसाब से अभी लगाएगा। और लगाने के बाद अगर फिर भी हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जैसे कि कंप्रेसर लीकेज करता है तो फिर हम लोग अलग करेंगे, अगर जैसे कि टायर ढीला होता है तो उसमें आवाज़ आएगा तो आप लोग अलग करेंगे। तो चलो वही आप प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं। चलिए, घड़ी का जो बैटरी होता है उसी तरह ये सिम है। इस साइड का है ये। फिटिंग करने के बाद हम लोग को फिर फिलर गेज से फिट करना पड़ेगा। तो चलो अब लोग हम लोग कैमशाफ्ट फिट करेंगे। अलग अलग कैमशाफ्ट है, इसमें लेफ्ट साइड की अलग है और राइट साइड की अलग है। अब यहाँ का आप लोग को टाइमिंग भी बताएंगे और सिम का माप जो है गाइस अभी हम लोग एडजस्ट करेंगे, जो हमने जो पुराना सिम फिटिंग किया है। चलो नाइट भाई फिट करें। इस तरह। अच्छा, और वो वाला इस तरह से, यानी कि रोटेट करेगा यही। इसका टाइमिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कैसे टाइमिंग आ रहा है। ये ढक्कन लगाने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे जो हम लोग का सिम कितना एमएम हम लोग फिलर गेज की मदद से रख सकते हैं। गैस लेफ्ट राइट दोनों मार्किंग और टी ऊपर, लेफ्ट राइट और टी ऊपर, यानी कि इस तरह से हम लोग का मार्किंग रहेगा। तो अभी हम लोग सिम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक कैप लगाना पड़ता है, तभी हम लोग एक्चुअली डिसाइड कर पाएंगे एक्चुअली सिम हम लोग का एडजस्ट हुआ है कि नहीं, वरना हम लोग का बाइक स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्ट हो भी जाएगा तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब आएगा। गाइस 0.4 होता है फिलर गेज, इसी मदद से आप लोग लगा के देखें, यानी कि अगर हम लोग आटा भाप जा रहा है या जैसे फ्री जा रहा है, तो मैंने देखा ये जो हम लोग का सिम है थोड़ा डिफेक्ट लग रहा है ये वाला, तो फिर हम लोग ओपन किया मैग्नेट की मदद से सिम को उठाया और जैसे बदला बदली करेंगे इस सिम को उस पार ले जाएंगे। सिम मिलाने में ही टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, इंजन फिट करने में। और इसी पैकेट से एडजस्ट करेंगे, मोटा पतला दिख रहा है। हेलो गाइस, फाइनल आप लोगों को हम दिखाएंगे जो एक्चुअली इसका टाइमिंग किस हिसाब से रखा और हमने जैसे कि सिम को किस तरह से एडजस्ट किया, वही आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि KTM बाइक का जो इंजन होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है रोल हम लोगों का टाइमिंग और सिम इंस्टॉल करना। तो एक्चुअली आप लोगों को दिखाया जो हमने पहली बार जो सिम को खोला था और दूसरी बार आप लोगों को वही सिम को हमने एडजस्ट किया, बट कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर नायडू भाई के पास कुछ सिम था, हमने एडजस्ट किया। करने के बाद फाइनल आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअली किस तरह से हम लोग फिलर गेज की मदद से जैसे कि कितना एमएम हम लोग रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये हम लोगों का 0.8 एमएम है। चलो हम लोग टाइमिंग इसका बराबर रखा है और इस तरह से हम लोग यहाँ जैसे पुश करेंगे। देखिए ये जैसे कि हम लोग का आटा भाप जा रहा है या ढीला भाप जा रहा है, तो अगर ढीला कर दे तो बाइक में हम लोग का आवाज़ ज़्यादा आएगा, और जैसे कि पूरा टाइट कर दे तो कंप्रेसर डाउन हो जाएगा। यानी हम लोगों को आटा भाप थोड़ा रखना है, और इसको भी चेक करते हैं तो ये भी हम लोगों का आटा भाप है। अब चलिए आते हैं इंटेक साइड पर, इसको भी हम लोग चेकअप करेंगे, ये भी हम लोगों का आटा भाप जा रहा है, ठीक है, और ये भी जा रहा है। तो यानी कि ये जो हम लोग का 0.8 एमएम है, इसे हम लोग का सारे के सारे जो रॉकर है एडजस्ट कर सकते हैं। बट कंपनी का रिकमेंड है जो हम लोग का एक साइड में थोड़ा ज़्यादा हम लोग का प्ले रखना है और एक साइड में ढीला रखना है, लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी का रिकमेंड है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से बांधें। हम लोग मैकेनिक है, खुद हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हो जाता है। तो गाइस चलिए आप लोग को टाइमिंग भी दिखा देता हूँ एक्चुअली टाइमिंग किस तरह से आप लोग फिटिंग करें। देखिए दो टाइमिंग इस पॉकेट पर, दो हम लोग का कंप्रेसर का माप है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट टी ऊपर, इस तरह से हम लोग का लगाना है। और पिस्टन को टॉप में करके फिटिंग करना है टाइमिंग चेन को, ताकि हम लोग टाइमिंग बन जाए। तो यहाँ से हम लोगों का टाइमिंग जो है परफेक्ट हो चुकी है और सिम भी एडजस्ट हो गया है।
अब कुछ आप लोगों को बताता हूँ, यानी कि अगर सिम आप लोग नया लगाते हैं जैसे जाम हो जाते हैं तो आप लोगों को एक तरीका बताता है। भाई के पास काफ़ी सारे सिम है, अगर आपने देखा कि जाम जा रहा है और आपके पास सिम भी नहीं है और एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो ये जो सिम है उल्टा साइड आप लोगों को थोड़ा पतला जो सिरिस कागज होता है इसके लिए आप लोगों को थोड़ा घिसाई कर लेना है, जिसमें कि आप लोगों का रॉकर ईजी जाए और फिलर गेज की मदद से आप लोगों का आटा भाप हो और काम बन जाए। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझाया। तो चलिए इसका हेड हम लोग फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस नायडू भाई भी देखो अपने चैनल के लिए शूट कर रहा है और फुल वीडियो आप लोगों को उसी चैनल में देखने को मिलेगा, तो आप लोग फटाफट जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को एक से बढ़कर एक KTM बाइक की इंजन फिटिंग हो, कोई भी समस्या हो सब अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए बाइक का टाइमिंग एडजस्ट करेंगे तो फाइनल आप लोगों को बाद में अच्छी तरह से दिखा देंगे। चलो फिट कर लेते हैं। तो सो गाइस अब फाइनल आप लोगों को दिखाता हूँ टाइमिंग कैसे रहे, यानी कि मैग्नेट में एक दिया जाता है हम लोगों को पॉइंट और टी जो है, और चेंबर में एक आप लोगों को पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप लोगों को इसी जगह रखने से पिस्टन टॉप में आ जाता है। आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैप लग जाएगा, तभी आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छी तरह से। बस हेलो गाइस अब आप लोगों को फाइनल हमें क्या इंजन रोटेट करके दिखाता हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जस्ट और इंटेक किस तरह से काम करता है। देखिए तो सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को टाइमिंग दिखाता हूँ, टाइमिंग किस तरह से हम लोग रखे, यानी कि ये जो मैग्नेट का पॉइंट है यहाँ देखिए और इस जगह पॉइंट है, तो इसको हम लोग को एक्यूरेट करना है और यहाँ रॉन्ग है। ठीक है तो चलो एक पक पलटी मारो बस इसको यहाँ लाओ बस, यानी कि ए पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग का हो गया है। और यहाँ देखिए यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है, और दोनों का टी जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर ऊपर साइड पर और लेफ्ट राइट, और यानी कि कैमशाफ्ट का जो पोजीशन रहेगा एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, आप लोगों को पहले ही दिखाया था, और पिस्टन टॉप में हो जाता है अगर इस पॉइंट को मिला है। तो गाइस टाइमिंग भी आप लोगों को दिखा दिया और जो सीम है एडजस्ट कैसे करें वो भी आप लोगों को दिखाया। अब एक्चुअली बाइक को हम लोग फिटिंग करेंगे, बाकी जो चेंबर है ये सब आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो चलो फिटिंग करने के बाद और वहाँ बाइक रखा हुआ है उस पर हम लोग फिट करने के बाद आप लोगों को एक्चुअली स्टार्ट करके दिखाऊंगा साउंड क्वालिटी कैसा आया है, बाइक स्टार्ट सही हो रहा है कि नहीं। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहे। हेलो गाइस पूरा इंजन को फिट हो गया है और जितना भी प्रोसेस था मैंने कनेक्शन कर दिया है, और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली बाइक का जो स्टार्ट है स्टार्ट और साउंड क्वालिटी बेहतर आया कि नहीं, बाइक में स्मोक आ रहा है कि नहीं, सभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए इसका बैटरी डाउन है, तो चलिए दो वायर लगाइए अच्छी अच्छी, ये बैटरी डाउन है थोड़ा। बस हो गया है, छोड़ दो बैटरी छोड़ दो। तो गाइस देखिए बाइक का स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों को दिखाता हूँ, इंजन में हम लोग का कोई भी फिर नहीं कर रहा है और KTM बाइक में जो साउंड क्वालिटी था वो भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है साउंड क्वालिटी, और पोल्यूशन भी हम लोग का नहीं आ रहा है। तो चलिए कुछ आप लोगों को डिटेल्स दे देता हूँ। तो सो गाइस आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाया KTM बाइक जो हम लोग का ड्यूट है 200cc बाइक का इंजन आप लोगों को दिखाया किस तरह से आप लोग फिट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाई जो होता है सिम लेकर प्रॉब्लम होता है, तो चार सिम दिया जाता है हम लोगों का, और चार सिमों में अगर हम लोग उलट पलट कर लेते हैं फिर भी हम लोग जैसे कि एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल गैस की मदद से आप लोग जैसे कि लगा लगा के देखो कौन सा
शेडिंग होता है। तो आप लोगों को मैं तरीका बता देता हूँ गाइस, जब भी आप लोग सिम को ओपन करें मैग्नेट के माध्यम से और जिस साइड से आप लोग ओपन करते हैं उस हिसाब से आप लोग जैसे कि एक कागज़ का पुरिया में लिख दीजिए, राइट साइड का मैंने खोला इंटेक्स साइड का है और लेफ्ट साइड का खोला इंटेक्स साइड का है, तो ये आपका लिख लिख के रख दीजिए और फीडिंग जब करें उसी हिसाब से करें। अगर नहीं भी मिल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होता है, हेड जब हम ग्राइंडिंग करते हैं पॉलिश करते हैं तो थोड़ा हेड हम लोग जैसे कि कट जाती है या नया वाल्व लगाते हैं उसी वक्त थोड़ा दिक्कत होता है। बट सिम मिलाना बहुत ही ईजी होता है, आप लोगों को तरीका बताया। कुछ सिम अलग से आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा, उसमें हम लोग छोटा बड़ा पतला सब होता है, तो सभी साइज आप लोगों को रखना है। जैसे शेडिंग करने के बाद फिलर गेज की मदद से आप लोग जैसे कि भर भर के देखिए, अगर ढीला हो रहता है मोटा दीजिए, मोटा देने के बाद ज़्यादा मोटा हो रहता है सिरिस पेपर लेके घिसाई कर दीजिए, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सेम सेम रखने से हम लोग का साउंड क्वालिटी भी बेहतर आता है और स्टार्टिंग भी बेहतर आता है। तो गाइस यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।